ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के विरोध में कांग्रेस ने कानूनी दांव खेला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के मामले में ग्वालियर के कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने शहर के 4 थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाते हुए कलेक्टर एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। ग्वालियर के जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनकर जो 3 दिन तक सदस्यता अभियान के सहभागी बने हैं उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप ही जिला कलेक्टर ग्वालियर ने एक आदेश निकाला था और आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्टता लिखा हुआ है कि सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य बड़े सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।